इस वक्त की बड़ी खबर बता दे आपको कि गिनती शुरू हो चुकी है, मतगणना की गिनती शुरू हो चुकी है, ईवीएम खुलने लगे हैं और आज ये निर्णय हो जाएगा कि आखिर देश की सत्ता पर कौन काबिज हो रहा है। एक तरफ इंडिया गठबंधन पूरी तैयारी में है, इंडिया गठबंधन जोरों शोरों से तैयारी कर रही है, क्या ऐसे में इंडिया गठबंधन का बेड़ा पार होगा या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। और बता दे आपको कि जवाहरलाल नेहरू के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर इस बार जीत जाते हैं तो वो रिकॉर्ड तोड़ देंगे। जवाहरलाल नेहरू ने जो रिकॉर्ड तय किया था, जो रिकॉर्ड बनाया था, उस रिकॉर्ड को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार तोड़ देंगे अगर 400 पार का आंकड़ा रहा और अगर इस बार प्रधानमंत्री फिर से देश की सत्ता में काबिज होते हैं। हालांकि जो एग्जिट पोल आए हैं, एग्जिट पोल साफ तौर पर बीजेपी को जिताती नजर आई है, एनडीए गठबंधन को जिताती नजर आई है और इंडिया गठबंधन का आंकड़ा 180 तक रहा है और ऐसे में अब गिनती मतगणना केंद्र में शुरू हो चुकी है, ईवीएम खुलने लगे हैं और जितने प्रत्याशी हैं उनकी भविष्य जो ईवीएम में कैद है वो भविष्य का निर्णय अब लिया जाएगा। समय बेहद नजदीक है, 8 बजे से गिनती शुरू हो गई। बिहार के संदर्भ में बात करें तो सबसे पहले पटना साहिब की गिनती होगी, एक नंबर पर पटना साहिब है, पटना साहिब की गिनती की जाएगी। जहां एक तरफ अंशुल अभिजीत मीरा कुमार के बेटे कांग्रेस के कैंडिडेट चुनावी मैदान में है, दूसरी तरफ बात करें तो पटना साहिब से बीजेपी के कैंडिडेट है रविशंकर प्रसाद, जिनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फील्डिंग की और ऐसे में दोनों ही दावेदार चुनावी मैदान में जोरों शोरों से तैयारी की, मतदाताओं ने मतदान भी दे दिया है और आज की तारीख यानी कि 4 जून को निर्णय लिया जाएगा। हम आपको मतगणना केंद्र की तस्वीरें दिखा रहे हैं, तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पाएंगे कि जितनी भीड़ है वहां पर लोगों की भीड़ है। जैसे ही पहला ईवीएम खुलेगा और मतगणना शुरू हो जाएगी, काउंटिंग शुरू हो जाएगी, जैसे ही वज्रगृह खुला वैसे ही एक तरफ बीजेपी के कैंडिडेट के कुछ लोग और दूसरी तरफ कांग्रेस के कुछ लोग आमने सामने खड़े हुए, उनकी निगरानी में ईवीएम को गिना जाएगा, ईवीएम में जितने वोट है वो गिना जाएगा और अब देश का भविष्य किसके हाथों में होगा, कौन सी वो पार्टी होगी, कौन वो व्यक्ति होगा जो फिर से प्रधानमंत्री बनेगा, जो इस बार देश की बागडोर अपने हाथों में लेगा। तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।